नो योगी जी और अखिलेश, मैं तुम्हारी कपास 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा हूँ। इतनी महंगी कोई नहीं खरीदता तुमसे मंडी में। लो ये पैसे लो। अरे महंगी नहीं खरीदते मोदी जी, कैसी बात करते हो? वक्त वक्त की बात है, आज मंडी में कपास का कोई खरीदार नहीं आया। अब तुम अकेले खरीदार हो, अपनी मनमौजी पैसे में खरीद रहे हो। 3,000 के दाम तो बहुत कम है मेरी कपास के लिए, लेकिन क्या करूं, बेचना पड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं है। अरे योगी जी, खरीदार है क्यों नहीं, मैं आ गया कपास खरीदने के लिए। अभी रुको, मोदी जी के पैसे वापस करो। ये तुमसे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हैं, मैं 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदता हूँ तुम्हारी कपास। लो मोदी जी अपने पैसे वापस करो। अरे अभी तक कपास का कोई दूसरा खरीदार नहीं था, तुम तो फ्री भाव में हमसे कपास खरीद रहे थे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब देखो लालू जी ने 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम लगा दिए, हम उन्हीं को बेचेंगे। लालू जी, अच्छे खासे सस्ते भाव में कपास मिल रही थी, तुमने आगे टांग अड़ा दी अपनी। अब तुम भी ऐसे कैसे खरीद सकती हो, अब तो बोली लगेगी, जो ऊंची में ऊंची बोली लगाएगा कपास उसकी होगी। हम भी लालू जी कहां पीछे हटने वाले हैं, आ जाओ राहुल आके बोली लगवाओ। 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मैं खरीदता हूँ। अब आएगा मजा, आप बोली में पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। 3,800 रुपए मोदी जी की तरफ से, 3,800 रुपए एक, 3,800 रुपए दो। रुको रुको राहुल, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो, तुम तो एकदम मोदी जी को कपास देना चाहती हो। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मेरी हुई। ऐसे कैसे हुई, अभी हमारी बोली चालू है, 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो लालू जी हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं, 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है लालू जी और मोदी जी की तरफ से, कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास मेरी हुई मोदी जी की तरफ से, 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास की बोली। अरे बोलो लालू जी, आगे बोलो, अरे बोलो। अब मैं इससे ऊपर बोली नहीं लगाऊंगा। अरे लालू जी, आपके आने से बहुत फायदा हो गया, पहले मोदी जी जिस कपास को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे थे बोली के बाद, अब वो ही कपास 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बताओ योगी जी, कितने रुपए की पानी पूरी लगाऊं तुम्हें, कितने रुपए के गोलगप्पे लगाऊं, जल्दी बताओ, लाइन लगी हुई है पीछे। अच्छा मोदी जी ये बताओ, इस टाइम 10 रुपए के कितने गोलगप्पे दे रहे हो? 10 रुपए के दो, 5 रुपए का एक गोलगप्पा, ले लो जल्दी लो। चलो 20 रुपए के गोलगप्पे खिला दो मोदी जी, ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, 20 रुपए के 5 दे देना, 5। योगी जी तुम्हारा हमेशा से यही रोना है। अरे अब तो मेरा तेल भी खर्च हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑटो रिक्शा में पानी पूरी की दुकान रख ली। पहले मैं ठेले पे पानी पूरी बेचता था, अब तो ऑटो रिक्शा में बेचता हूँ, इसमें तेल खर्च होता है। चलो दे दो 20 रुपए के 4 ही गोलगप्पे दे दो, 2 गोलगप्पे मीठे पानी में, 2 गोलगप्पे खट्टे पानी में दे दो। अरे क्या योगी जी, इतनी देर से खट्टा मीठा पानी कर रहे हो, कभी 20 रुपए के 4, कभी 20 रुपए के 5 कर रहे हो योगी जी, ये कोई बात हुई? जल्दी खाओ, मुझे भी खाना है। मोदी जी की पानी पूरी देख देख के मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी खाओ। ज्यादा राहुल आफत मत करो, आराम से खाने दो मुझे पानी पूरे। मोदी जी थोड़ा तीखा कर दो, तीखा मिर्ची डाल दो थोड़ी सी, ये अभी खाया जो गोलगप्पा ये फीका था बिल्कुल। लो भाई योगी जी, तीखा कर देते हैं अगला गोलगप्पा हम तुम्हारा। अरे मोदी जी कुछ ज्यादा ही तीखा कर दिया, मुंह में से आग निकलने लगी, बहुत तीखा गोलगप्पा था, क्या सारी मिर्ची उलट दी तुमने इस गोलगप्पे में? अभी तुम ही कह रहे थे और तीखा लगाओ और तीखा लगाओ, मैंने गोलगप्पे में खूब मिर्ची डाल दी। अरे अखिलेश सर जी आ गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। अरे मोदी जी रोड पे गोलगप्पे खिलाना बंद करो, बंद करो ये। जी बताओ, रोड पे गोलगप्पे खिलाना क्यों बंद करूं, कुछ तो बताओ। चलो मैं ऑटो रिक्शा को दूसरी जगह ले जाता हूं, वहां जाके खिलाऊंगा। अरे मोदी जी तुम गोलगप्पे कहीं पे भी रोड पे नहीं खिला सकते, नहीं तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा। जी मैं रोड पे क्यों नहीं खिला सकता, कुछ तो बताओ, क्या दिक्कत है? रोड पे इतनी सारी दुकानें तो हैं, मेरी दुकान से क्यों दिक्कत हो रही है आपको? मोदी जी तुम्हारी दुकान से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही बढ़िया होती है, गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया होते हैं, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भीड़ लग जाती है रोड पर, जिससे जाम लगने का खतरा रहता है। वैसे एक तरीका है, उस तरीके से तुम रोड पे गोलगप्पे खिला सकते हो। जी बोलो दूसरा तरीका कौन सा है, मुझे बताओ। वो तरीका ये है कि 2 गोलगप्पे मुझे खिला दो बस, और लगाते रहो दुकान को, बस 2 गोलगप्पे लगा दो खट्टे पानी में। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओए होए क्या बात है मोदी जी, आपके हाथ की बनी चाय की चुस्की लेते ही मजा आ गया। आपने अपने घर पर अपने हाथ से बनाई चाय पिलाने के लिए बुलाया है, ये सोचकर ही दिल खुश हो गया, और आपकी चाय पी के तो मजा आ गया। बताओ राहुल, मेरे हाथ से बनाई हुई चाय में कोई कमी तो नहीं है?
अच्छी लग रही है चाय। और लालू जी, योगी जी, अखिलेश, अरे ये बिस्किट और नमकीन भी खाओ। चाय के साथ मैंने बिस्किट और नमकीन भी खाट पर रखे हुए हैं। देखो अखिलेश, बिस्किट और नमकीन दूसरी वाली खाट पर सबको दे दो। अरे मोदी जी, आपने भी बिस्किट और नमकीन वहाँ पर रख दिए अखिलेश और राहुल के पास। वो दोनों अकेले ही अकेले खा रहे हैं बिस्किट, नमकीन इधर बढ़ा ही नहीं रहे। अखिलेश इधर लाओ बिस्किट। अरे लालू जी, ज्यादा बातें मत मिलाओ, तीन बिस्कुट तो मैं आपको उठा के दे चुका हूँ। और आप कह रहे हो कि राहुल और मैं ही खा रहे हैं बिस्किट नमकीन, आपको सबको नहीं दिया मैंने बिस्किट उठा उठा के। अरे मोदी जी, कितनी देर में हमें चाय दोगे? सब एक एक बार चाय पी चुके, हमें एक कप भी चाय अभी नहीं मिली है। और बिस्किट नमकीन भी आपने राहुल अखिलेश की तरफ रख दिए, जबकि ज्यादा लोग इधर बैठे हुए हैं। इधर रखवाओ बिस्किट नमकीन। अरे योगी जी, थोड़ी देर रुको रुको, सबको एक एक करके ही तो चाय दूंगा मैं। अब एकदम से केतली में से निकाल के चाय दे नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश, अभी मैंने तुमसे कहा, या तो बिस्किट नमकीन उधर रख दो या यहीं से उठा उठा के देते रहो। अरे मोदी जी, मुझे तो बिस्किट नमकीन से कोई लेना देना नहीं है, एक कप तो आपकी चाय पी चुका, एक कप चाय और दे दो। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है आपने, बिस्किट नमकीन तो कुछ नहीं है आपकी चाय के सामने। अरे मोदी जी, हमसे क्या बैठने को भी नहीं कहोगे? सारी की सारी जगह तो इन लोगों ने घेर रखी है, कहीं खाट पर बैठने तक की जगह नहीं है। क्या मैं खड़े ही खड़े चाय पीऊं? बताओ। अरे कैसी बात करते हो राजनाथ सिंह जी, इधर आके बैठ जाओ अखिलेश और राहुल के पास। राहुल, बिस्किट नमकीन को जरा एक तरफ कर लो, इधर काफी जगह है, इधर आगे बैठ जाओ राजनाथ सिंह जी। अरे मोदी जी, हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, हमें मत भूल जाना। कहीं तुम सामने सामने सबको चाय दे दो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मुझे भूल जाओ। उमेशी जी, जब मैंने तुम सबको इतने प्यार से बुलाया है तो किसी को चाय देना मैं भूल सकता हूँ? ऐसा हो जाएगा? बेफिक्र रहो, सबको चाय मिलेगी। और महिलाओं को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे नहीं मोदी जी, एक रोटी और बना के दो, एक रोटी और दो बना के। अरे ये तुमने जो रोटी बनाई ये तो योगी जी ने अपने पास रख ली, मुझे कहाँ दी इसमें से। अरे एक रुपए भर में मुश्किल से 25 पैसे भर मैंने खाई है। योगी जी तुम मानोगे नहीं, मैंने कहा था दोनों मिल बांट के उस रोटी को खा लेना, आधा आधा। अब तुमने जरा सी रोटी का टुकड़ा राहुल को दे दिया, पूरी तुम खा गए। अरे एक ही रोटी थी, अरे बेरोजगारी में जो खाने को मिल जाए वो खा लो तुम। समझ में नहीं आता तुम्हें, एक रोटी का आटा था वो भी मैंने बना दी। मैं तक भूखा हूँ, मैंने तुम्हें पहले पेट भर दिया, लेकिन फिर भी तुम मानते नहीं हो आपस में। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। योगी जी हमेशा तुम ही घपला करते हो, तुम हमेशा भूखा रखते हो राहुल को। अरे मोदी जी, माना कि इस गांव में बेरोजगारी है तो दूसरे गांव में चलते हैं कमाने के लिए, क्यों नहीं चलते तुम कमाने के लिए? ये बताओ एक रोटी में क्या होगा खाने में? अरे कम से कम 10 रोटी होती है अकेले खाने के लिए मेरे, लेकिन मैं फिर भी क्या करूं जब रोटी नहीं मिल पा रही है, आधी रोटी से ही काम चलाना पड़ रहा है। और तुम ये सिर्फ अचार के तेल से खिला रहे हो हमें, जो अचार बना के रख लिया है तुमने, और आम के अचार का एक भी टुकड़ा नहीं दे रहे हो अचार का, सिर्फ तुम तेल तेल दे रहे हो, तेल से कैसे खा लिया जाएगा ये बताओ। अरे योगी जी, दूसरे गांव में भी सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर भी जाने से कोई फायदा नहीं, वहां पर भी कमाई नहीं होगी। अरे ये बताओ, जब सब्जी के लिए पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो अचार से तो खाओगे ही तुम। आम के अचार के जितने भी टुकड़े थे, टुकड़े टुकड़े तुम खा गए, तो तेल बचा है, तेल से तो खाओगे ही तुम अब। अरे राहुल तो सीधा है, उसे जितना दे दो वो खा लेता है, मेन तो दिक्कत तुम करते हो। तुम सारा अचार खा गए चुपके चुपके उस डिब्बे में से।